भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने नगद भुगतान पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन अब ये पाबंदी तेंदुपत्ता संग्राहक और ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। कोरोना महामारी के चलते यात्री बस पूर्णतः बंद है, जिससे संग्राहक और ग्रामीण खाता खुलवाने के लिए बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भुगतान नहीं होने के चलते परेशान ग्रामीण 10 ट्रैक्टर और 3 पिकअप वाहन से कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने नगद भुगतान की गुहार लगाई। हम लोग को तेंदुपत्ता पैसा बैंक में खाता में जमा हो रहा है, इसलिए लोगों को भी परेशान हो रहा है। और हम लोग को वीजा पुराने के लिए भी बहुत तकलीफ जा रहा है, और कुछ लोगों के पास बैंक खाता भी नहीं है, उनसे भी बहुत परेशानी हो रहा है। और हम लोग को खाता बीजा गांव से बीजा पुराने के लिए भी बहुत परेशानी है। आजकल गाड़ी घोड़ा भी नहीं चल रहा है, इसलिए नगद पैसा चाहिए। वो तेंदुपत्ता का पैसा अकाउंट में डलेगा बोलने से हम लोग को तकलीफ हो जाएगा, अभी गाड़ी घोड़ा नहीं चलेगा बोलकर उनसे मिलने आए थे, नगद चाहिए पैसा बोल के। और इसी के साथ